Database management system normalization 1NF and 2NF. Normalization. Normalization is the process of making a database consistent by reducing the redundancy and ensuring the integrity of data through lossless decomposition. मतलब क्या हुआ कि normalization एक process है किस चीज का, जिसमें आप data को database जो भी आपका data है database में उसको consistent बनाते हो. कैसे बनाते हो? फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी, क्या आप रिड्यूस करते हो रिडंडेंसीज को. रिडंडेंसी मीन्स जो कॉपीज ऑफ डाटा है, मतलब जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कॉपीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो मतलब उस रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हो, ठीक है. सेकेंड चीज क्या है? इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा थ्रू लॉसलेस डिकम्पोजिशन. लास्ट वीडियोज में हमने क्या किया था, लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है. तो हम इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इंश्योर करते हैं सो दैट के जो लॉसी डिकम्पोजिशन है वो ना हो, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो, ठीक है. तो अभी पिछली वीडियोस में जो भी हमने टर्म्स पढ़ी थी, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि इन वीडियोस में नॉर्मल फॉर्म्स में हम वो टर्म्स यूज करने वाले हैं. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी टर्म्स है. अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो 5 मिनट्स लगेंगे, वो वीडियो जरूर देख लेना. अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म आती है जो आपको नहीं समझ आती तो प्लीज वो पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखना, ठीक है. अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. ओके, सो द नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन ओनली एन एटॉमिक वैल्यू. या फिर क्या हो सकता है, ए रिलेशन is called in first normal form if the attribute of every tuple is either single valued or null valued. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी relation, relation means table, कोई भी relation first normal form में कब होगी, जब उसकी किसी भी cell में, cell का मतलब क्या कि जैसे कि एक cell है, ठीक है, rows और columns की बात नहीं है, कि हर एक cell, ठीक है, each cell contains only an atomic value. एटॉमिक वैल्यू मतलब कोई एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हम क्या कह रहे हैं कि वहां पर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट या फिर नल होना चाहिए. मीन्स यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डाटा ऐसा हो कि अवेलेबल ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसको रोल नंबर अभी अलॉट ना हुआ हो, ठीक है. तो वहां पर आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, नल वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पर आप नल लिखेंगे, ठीक है. या फिर सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही सेल में दो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे आप, ठीक है. अगर आपको यहाँ मैंशन करना है दूसरा सब्जेक्ट तो उसके लिए आप सेपरेट डाटा एंटर करेंगे, ठीक है. क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि जो हर एक सेल है उसमें सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और नल वैल्यू भी हो सकती है, बट उसको आप खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. और बेसिकली जितनी भी टेबल्स होती हैं, कि टेबल्स के रूल्स ही यही होते हैं कि कुछ ना कुछ डाटा होना ही चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना ही चाहिए. तो जब भी आपको कोई रिलेशन गिवन होगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा, ठीक है. ओके, सो द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. ए गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ ए रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. मतलब रिलेशन जो है, टेबल जो है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो तभी उसे हम कह सकते हैं कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है. कि फर्स्ट, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए. मतलब ये जो फॉर्म्स हैं जितनी भी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप होगी. अगर वो फर्स्ट में तो वो सेकेंड में आप कंसिडर कर सकते हैं. ये नहीं कि आप बोल रहे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, बट वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है. तो अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और सेकेंड कंडीशन क्या है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन. मतलब टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है. अब अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, डिपेंडेंसीज हम कर चुके हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात हो रही है. पार्शियल डिपेंडेंसी मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी इज अ डिपेंडेंसी वेयर फ्यू एट्रीब्यूट ऑफ द कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. सी, यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है कैंडिडेट की. कीज में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैंडिडेट की क्या होती है, ठीक है. तो कीज की अलग से वीडियो है, वो गो थ्रू हो जाए, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो. सेकेंड, प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जो कीज हैं, ठीक है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, उनमें जो एट्रीब्यूट यूज होते हैं उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और जो नहीं यूज हो रहे थे उनको हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होते हैं, वेयर फ्यू एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की के डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसको हम क्या कह रहे हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी। और हम क्या कहना चाहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ए पार्शियल डिपेंडेंसी इज ए डिपेंडेंसी वेयर ए पोर्शन ऑफ कैंडिडेट की और इनकम्प्लीट कैंडिडेट की डिटरमाइंस द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, कि जो कैंडिडेट की है उसका कोई पोर्शन या फिर उसके कुछ एट्रीब्यूट्स किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहे हों तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। और उस केस में क्या होगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। अगर आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में चाहते हैं तो कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है, ये एक डिपेंडेंसी गिवन थी। ठीक है, इफ ए सी डिटरमाइंस बी, ये आपको गिवन है कि ये है। ठीक है, और सेकेंड आपको गिवन है कि ए डिटरमाइंस बी, इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें ए जो है वो सबसेट ऑफ सब कैंडिडेट की, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डिपेंडेंसी गिवन थी और ए सी जो है वो कैंडिडेट की है। ठीक है, ये दोनों डिपेंडेंसी आपको गिवन थी, और ए डिटरमाइंस बी कब पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, जब ए जो है वो सबसेट है किस चीज का, कैंडिडेट की का। कैसे, मैंने कहा कि ए सी कैंडिडेट की है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड्स क्या पता चलते हैं कि इनमें इस कैंडिडेट की का पोर्शन, पोर्शन मतलब ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। यहाँ सेकंड डिपेंडेंसी में आपको क्या गिवन है, ए। ठीक है, कि कुछ पोर्शन कैंडिडेट की का डिटरमाइन करे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। नॉन प्राइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ए सी है, सी ए सी जो है वो कीज का पार्ट है, क्योंकि हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमें गिवन है ए सी जो है वो कैंडिडेट की है, और जो कीज के एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, जो कीज के एट्रीब्यूट नहीं है वो नॉन प्राइम है। ठीक है, अब कीज का एक पार्ट डिटरमाइन कर रहा है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, इसलिए ये पार्शियल डिपेंडेंसीज है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, ए डिटरमाइंस बी इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ सम कैंडिडेट की, मतलब ए जो है सम पार्ट ऑफ या फिर सबसेट कह सकते हैं हम उसे, कैंडिडेट की का सबसेट है, और बी जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर इनमें से एनी कंडीशन फेल्स, कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन फेल होने का मतलब क्या, कि अगर ए जो है सबसेट है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो, मतलब ये दोनों अगर फुलफिल हो उसी केस में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। कोई एक कंडीशन मतलब बी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो उस केस में ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। कब होगी, जब ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट की का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक पूरा एक एग्जाम्पल दूंगी कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है आर, जहाँ पर उसके एट्रीब्यूट हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, और आपको गिवन होगी फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, और पॉसिबल कैंडिडेट कीज भी गिवन होंगी, यू वी सॉरी वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये कैंडिडेट कीज है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो ये पूरा रिलेशन है या फिर ये जो डिपेंडेंसीज है, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये जो है ये कीज के एट्रीब्यूट हैं, ये हमें कीज गिवन है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कीज में जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हुए, यू सॉरी वी डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पर दोबारा हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये क्या है,
वी डब्ल्यू एक्स वाई प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जेड नहीं है, ठीक है, जेड की में यूज नहीं किया गया, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से नॉन प्राइम हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन से क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और वो किस तरह से पता चलेगा, हम इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखते हैं। वी डब्ल्यू डिटरमाइंस एक्स वाई, वी डब्ल्यू इज अ कैंडिडेट की, ठीक है, हमें गिवन थी, और वो डिटरमाइन करिए एक्स वाई को, ठीक है। एक्स वाई कुछ भी एट्रीब्यूट है, ठीक है, की का पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट ये जो है ये कंप्लीट की है, कैंडिडेट की, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। वाई देखते हैं, वाई जो है क्या है, पार्ट ऑफ की है, हाँ है। बट दूसरी साइड हम देखते हैं वी, क्या वी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, ये प्राइम एट्रीब्यूट्स में आ रहा है क्योंकि ये की में यूज किया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स एक कैंडिडेट की है, ठीक है, और वाई जेड, वाई जेड में एक प्राइम एट्रीब्यूट है वाई और एक नॉन प्राइम है, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने क्या कहा था, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कि जहाँ पर राइट हैंड साइड पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये पार्ट ऑफ की है, नहीं ये पार्ट ऑफ की नहीं है, क्योंकि ये पूरी की है, पूरी की है, क्यों, क्योंकि हमें गिवन थी ये कैंडिडेट की। अगर यहाँ पर सिर्फ एक्स लिखा होता तो ये पार्ट ऑफ की हो जाता, कि एक एट्रीब्यूट की का यहाँ पर है जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता, पार्शियल डिपेंडेंसी होती। बट यहाँ पार्शियल नहीं है, पार्शियली डिपेंड नहीं कर रहा, ये कम्प्लीटली पूरी की पर डिपेंड कर रहा है, और वो भी क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है और ये जो रिलेशन है ये क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, ओके।